नमस्कार दोस्तों, सिक्योरिटी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि फटे और पुराने तिरंगों का क्या किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि पहले आम लोगों को केवल स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर ही तिरंगा फहराने की छूट थी। इसके अलावा कोई अपने घर या गाड़ी में तिरंगा नहीं लगा सकता था। लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया था, जिसके बाद कोई भी नागरिक किसी भी दिन तिरंगा झंडा फहरा सकता है। इसके अलावा सभी लोग अपने घर, ऑफिस, गाड़ी में तिरंगा लगाने की छूट मिल गई है। वैसे हर किसी को दफ्तर में अपने तिरंगा झंडा देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज भी बहुत कम लोग तिरंगा से जुड़े नियम को जानते हैं। तिरंगा काफ़ी पुराना हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ये लोग का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत फटा या गंदा तिरंगा फहराना अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। अगर झंडा फट जाए या पुराना हो जाए तो इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत फटे या पुराने झंडे को एकांत में जला देना चाहिए या किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर देना चाहिए, ताकि तिरंगे की गरिमा बनी रहे। तिरंगा झंडा पवित्र नदी में जल समाधि दी जा सकती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके पार्थिव शरीर पर तिरंगा को चढ़ाया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि उस तिरंगे झंडे का क्या किया जाता है। आपको बता दें कि शहीदों पर पार्थिव शरीर से उतारे गए झंडे को गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या नदी में जल समाधि दे दी जाती है।